एक दिन आएगा जब तुम्हारे गैजेट्स इस पूरी दुनिया की हिफाजत करेंगे। अंदरूनी चोट कैसी महसूस होती है? ऐसी जैसी हो रही है यहाँ। अरे नहीं नहीं, जब भी शपी नहीं, मैं फिर से कहीं कोई अंडा ना दे दूं मार्सी के सामने। उसने उसे बचा लिया। पंछी के डॉक्टर के पास जाना होगा। यहाँ से वापस जाने के बाद मैं तुम्हें फिर इंसान बना दूंगा। स्टार्लिंग, तुम एक पंछी हो? हाय मार्सी। इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही थी। तुम? ओह, तुम एक पंछी हो, ये बहुत अजीब है। बहुत अजीब है ना? ये शानदार है, हमने कर दिखाया। हमने ड्रोन्स भी एक्टिवेट किए, पूरे लोगों को हराया, हजारों लोगों की जान बचाई, तो हमें हमारी नौकरी वापस मिलने वाली है। लो, तीसरी बार निकाल दिया। हाँ यार, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड ही हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वैसे हमने ढेर सारे कानून तोड़े, ऑर्डर्स नहीं माने, और देखा जाए तो थोड़ी सी गद्दारी भी की। अरे हाँ, गद्दारी को तो मैं भूल ही गया था। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, चारों तरफ देख। पता है इस वक्त तेरी माँ को तुझ पर गर्व हो रहा होगा, तूने इन सब लोगों की जान बचाई है, वो भी अपने तरीके से। पर तूने ये भी तो किया है। मैं ये ठीक कर दूंगा, सॉरी। एक और बात बताऊं, मैं इस ग्लूटेन फ्री चीज का आदि होते जा रहा हूं। तो अब हम क्या करेंगे? ओ, हम लोग मासी? देखो, मैं देख या सुन नहीं सकता, पर मेरे बाकी सेंसेस काम कर रहे हैं, तो तुम एजेंट स्टर्लिंग, जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। इसकी जरूरत नहीं। तुमने अपनी शक्ल देखी थी जब पकड़े गए थे? मैं बचपन से हैंडसम, फिर भी पतलून गीली हो गई थी। हो गया तुम दोनों का? सुनो, सब ठीक हो जाएगा लैंस, अब बेबी हैंड से गाड़ी।